हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्वेश्चन एंगलर। तो दोस्तों, फिर एक बार एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, इस बार मैं आया था फिशिंग करने के लिए। खासकर जो आज का जो वीडियो होने वाला है, थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आया था तो फिशिंग करने के लिए, बट मैंने आज रॉड और रील लेके नहीं आया था। थोड़ा अर्जेंट में मैं आया था, निकला था, तो रॉड और रील लेना भूल गया। तो इसके लिए दोस्तों आज हम करेंगे ल्यूर फिशिंग, और दैट टू विदाउट अ रॉड एंड रील। तो देखते हैं दोस्तों कि आज का हमारा फिशिंग सेशन कैसा होने वाला है, और आप वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रॉड और रील खरीद नहीं पाते, और रॉड और रील खरीदने के लिए उनको मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि भाई आप इतना एक्सपेंस करें और इतना खर्चा करने के बाद आपको इस पे मच्छी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसके लिए एक छोटा सा एक वीडियो है, जिस पे दोस्तों मैं करूँगा हैंडलाइन से ल्यूर फिशिंग। तो बेसिक जो टेक्निक है वही रहेगा, बट काम पूरा होने वाला है रॉड और रील के बिना। तो दोस्तों पूरे वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो गाइस, लेट्स एंजॉय। So guys, only the line, and I found some thermocol. This one is, I think it's better. Use this today to wind my line around. In between, let me make a good hole, a gap, so the line will fit in. So guys, ये देखिए, मैंने अपना थर्मोकॉल रेडी कर लिया है ताकि मैं इसके ऊपर लाइन गुंडा लूँ। तो चलिए, अब इसके ऊपर ये 80 नंबर का लाइन है, मोनो लाइन, तो इसको मैं इसके ऊपर लगा लेता हूँ। सो गाइस, अब हमारा लाइन तो रेडी हो चुका है, और अब हमें करना है इसको ल्यूर लगाना है, और वही टेक्निक यूज़ करना है जो कि हम लोग रॉड रील पे यूज़ करते हैं, उसी को यूज़ करते हैं। बस इस बार मेरे पास रॉड और रील नहीं है, सिर्फ हाथ से काम करना पड़ेगा। रॉड और रील का जो काम है उसको मैंने अपने हाथों से करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, ट्राई करके दोस्तों कि क्या होगा आगे। तो गाइस, इट्स गोना बी अ वेरी टफ डे टुडे, क्योंकि आज जो है थोड़ा मेहनत का काम है दोस्तों। फिर भी चलिए, हार नहीं मानना है, और कुछ ना कुछ पकड़ते हैं। तो यही हमारा कोशिश है कि आज कुछ ना कुछ हम पकड़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे एक रॉक मुझे मिला है जो कि अपने काम के लिए बहुत सही है। तो चलिए, पूरा फ्लैट सा रॉक है,
तो यहाँ से चालू करते हैं दोस्तों। पानी में थोड़ा करंट ज़्यादा है तो कोशिश रहेगा कुछ। सो गाइस, आज मैं यूज़ करूँगा वाइट कलर का शेड विद अ रेड हेड। ओके, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट बांध देंगे क्योंकि हमें आज इतना ल्यूर्स चेंज करने के लिए होगा नहीं होगा पता नहीं। डन। लेट्स ट्रिम आउट द एक्स्ट्रा। ज़्यादा लंबा भी नहीं चाहिए आज। नाउ वी आर रेडी टू कास्ट। सो द वर्क ऑफ द रील वी आर डूइंग विद द हैंड्स। Slowly, slowly we'll retrieve it. Oh my god! Oh my god! On the first cast, guys. Oh my god! What a crazy shit! What the hell was that? The fish is there. Hopefully, we'll get him out. This is just a crazy one. Andy, huh? ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನಿ ಇಲ್ಲಡ ಏನಾತೀನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಎತ್ತ ದೀತೀನಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡು ವೀಲ್ ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ, ದ ಫಿಶ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಹಂದಿ ಸೀದಾ ಹಂದು ಕಂಡಪಟ್ಟಿ ಜಾರು ಉಂಡ ಎಲ್ಲ ಶೂಲ ಮಸ್ತ್ ಜಾರು ಉಂಡು ನೀವು. So guys, this is a crazy one. ಅಂದಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನಂಡ ಬಂಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಎತ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಲ್ ಎತ್ತಿಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ರಾಡ್ ಉಂಡು ಏನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಪೀರ ಪೋದು ಬತ್ತಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ಎಪ್ಪರಿ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅತ್ತೆ ಅವಲ್ಲ ಫಸ್ಟೇ ತಕ್ಕ ದಿನ ಕಾಡ್ಕೊಡ ಮಾರೆ ಇಜ್ಜೆ ಬೈ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಉಂಡು ಮೀನ್ ಮೀನುಂಡಿಯೇ ಅಯ್ಯ ಶಿಟ್ ಪೋನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಗೈಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರೇಜಿ ಒನ್ ಅವು ಒಡೆ ಜೀವ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪೋಡ್ದು ಪೋಂಡ ಅಯ್ಯ ಮಾರೆ ಅವು ನೀರಿಗೆ ಬೂರು ಹೊಡಿತಂಡ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್
अल्लाह अकबर कबीरा। See this guys, because of the fish bite I got the marks on my finger. My finger is gone. तो दोस्तों ये था हमारा फिशिंग वीडियो जिसमें हमने बिना रॉड और रील के मच्छी पकड़ने की कोशिश की ल्यूर के ऊपर। अगर दोस्तों हम यहाँ पे जैसे वो हमारा जो बड़ा सा मच्छी छूट गया, अगर हम शायद ही रॉड और रील से हम लोग फिशिंग किए होते तो आसानी से वो फिश निकला होता। रॉक्स में जाने को इतना चांस नहीं मिलता। आपका जो ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि रॉड और रील से फ़िशिंग करना बेहतर है या इस तरह हैंड से फ़िशिंग करना बेहतर है। तो आप ज़रूर हमारे कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू ऑल एन्जॉय द वीडियो। तो जाते जाते फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।